हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो हम दे रहे हैं, बेसिकली हमारे पास एक रिक्वायरमेंट आया है जो गुजरात में रहते हैं, तो गुजरात साइड से बहुत सारा कॉल आया है हमारे पास जो डांडिया का काम करता है। तो उनका रिक्वायरमेंट क्या है सर, हम लोग पहले शुरू करते हैं थोड़ा सा स्लो टेम्पो में और उसके बाद हम लोग बढ़ाना चाहते हैं उसका थोड़ा सा डिफरेंट में। मतलब मान लीजिए अगर 100 में शुरू हुआ और उसको ख़त्म करना चाहते हैं 120 में, तो इस टाइप का कुछ डांडिया का टिप्स हम देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे वो थोड़ा देखिए। इधर हम लोग दो लूप लिया है, इसको सोलो करके हम लोग सुनते हैं। ठीक है, देखिए लूप ठीक नहीं है, इसको थोड़ा सा इधर जो लास्ट में जो जगह है इसको थोड़ा स्नैप ऑफ करके इसको थोड़ा सा जगह पर ले आना पड़ेगा। तो अभी ये ठीक बजेगा मगर इसका टाइम स्ट्रेचिंग ठीक ठाक नहीं हो पा रहा है। तो देख लीजिए एक बार क्या हो रहा है। 1 2 3 4 1 2 3 4 अभी ठीक है, अभी देखिए ठीक है, मगर इसका टेम्पो आप लोग बोल नहीं पाएंगे कितना टेम्पो है। तो इसको इसके लिए हम लोग थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको प्रोजेक्ट में जाते हैं, बिट कैलकुलेटर में जाते हैं। 4 BPM का है, 8 बिट में हम लोग देखेंगे क्योंकि ये 4x4 टाइम सिग्नेचर का है, इसीलिए हम लोग 4x4 8 में जाएंगे, उसके बाद 16 में जाएंगे, उसके बाद 32 में जाएंगे, ऐसा करके जाएंगे, 12 में नहीं जाएंगे क्योंकि 12 बट तक ये है मगर तब भी हम लोग 12 में नहीं जाएंगे। तो ये बोल रहा है 77.17 बोल रहा है, तो इस एट टेम्पो ट्रैक स्टार्ट करते रहे। उसके बाद इसको चला के देखिए एक बार क्या बोल रहा है। ये डबल में करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा काम करिए, 12 में करके एक बार देख लेते हैं क्योंकि ये डबल में बजा हुआ है। तो थोड़ा सा देखिए, हाँ 12 में मिल जा रहा है क्योंकि देखिए इधर थोड़ा कुछ बोलने का है क्योंकि ये जो लूप जो था अंडू करते हैं हम लोग, फिर भी अंडू करते हैं। देखिए चार जो बार है वो बार क्रॉस करके चला गया, इसीलिए हम लोग 12 पकड़ेंगे। तो 12 में हम लोगों को कितना मिल रहा है, 115.76 मिल रहा है। तो इसको एट टेम्पो ट्रैक स्टार्ट करते रहे, तो चार नंबर बार तक मिल गया है। तो इसको हम लोग 115 में कर देते हैं, 115.76 जो है इसको टाइम स्ट्रेच करके राइट क्लिक करके हम लोग इधर प्रोसेस में जाएंगे, टाइम स्ट्रेच में जाएंगे, 115.76 इधर लिखेंगे, 115.76 हो गया। और हम लोग करना क्या चाहते हैं, 115 में करना चाहते हैं, हो गया, प्रोसेस कर देते हैं। तो अभी इसको टेम्पो को ऑफ करके 115 कर दीजिए, तो ये मिल जाएगा क्लिक में, बहुत आसानी से मिल जाएगा, बहुत अच्छा तरीके से ये चलेगा। एकदम बहुत अच्छा है। मान लीजिए ये थोड़ा लूप जो है इसको थोड़ा बढ़ाना है, गाना चल रहा है, कंट्रोल डी करके हम लोग बढ़ा दे रहे हैं, तो 19 नंबर बार का बाद ये थोड़ा बीट चेंज होगा, मतलब ये थोड़ा सा स्पीड में बजेगा। तो 19 नंबर बार का बाद हम लोगों को दो चीज़ करना पड़ेगा। एक चीज़ है, पहले तो ये जो लूप है 19 से जो जाएगा, कंट्रोल डी कर रहा है, 19 से जो जा रहा है इसको थोड़ा 20 कर लीजिए, पहले इसको स्ट्रेच कर लीजिए, उसके बाद ये अभी 115 में है, ये प्रोसेस में जा रहा है, प्रोसेस में जाके इसको हम लोग टाइम स्ट्रेच करके ये 115 था इसको एंटर कर दिया और इसको 120 कर दिया। ठीक है, प्रोसेस करते रहे। तो अभी क्या है, न्यू वर्शन कर लीजिएगा क्योंकि जो स्क्रीन आया था वो स्क्रीन में बोल रहा है क्या, हम आप लोग क्या पुराना वर्शन के ऊपर ही करना चाहते हैं ना नया वर्शन में करना चाहते हैं। तो नया वर्शन में हम किया है, मतलब एक कॉपी हो गया है, पूल में अगर आप लोग जाइएगा तो उसका एक कॉपी आप लोगों को मिलेगा। देखिए ये यूज़ हो रहा है, ये दो यूज़ हो रहा है, अभी ये 6 यूज़ हो रहा है, उसके बाद जो हम एक लिए है ये इम्पोर्ट किया है, अभी तक ये क्रॉस मतलब इसका अभी कोई इम्पोर्ट, मतलब इम्पोर्ट तो हुआ है मगर जो ऑडियो फोल्डर है ऑडियो फोल्डर के अंदर ये नहीं है। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा होगा, अच्छे से देखिएगा। तो इसको हम लोग प्रिपेयर आर्काइव कर लेते हैं, प्रोसीड कर लेते हैं, प्रिपेयर आर्काइव हो गया, चला गया, मतलब अभी जो यूज़ हो रहा है 6 यूज़र एक ही चीज़ 6 टाइम्स यूज़ हो रहा है और एक ही चीज़ 2 टाइम यूज़ हो रहा है।
तो ये हो गया, क्योंकि एक ही चीज़ नहीं, दो चीज़ दो टाइम यूज़ हो रहा है, नीचे में एक लूप है, ये दूसरा लूप है। तो इसको हम लोगों को करना क्या होगा, 120 हम लोग ऑलरेडी कर दिया है, तो इसका इधर से बढ़ेगा, मतलब ये चलेगा मान लीजिए 33 तक चलेगा। कंट्रोल डी कर देता है, कंट्रोल डी करके हम लोग इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि पूरा नहीं मिलने से प्रॉब्लम होता है। तो ये अभी चलेगा 19 बार से 45 बार तक चलेगा, तो 19 बार जो है इसका साथ तो क्लिक तो नहीं मिलेगा, तो 19 बार इधर है, इस इधर से बढ़ रहा है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इधर से अगर आप लोग प्ले भी करिएगा तो ये 115 में नहीं मिल रहा है, तो इधर मिल जाएगा, इधर आप लोग क्लिक करिएगा तो मिल जाएगा, इधर मिल जाएगा। मगर 19 का बात करने के लिए हम लोगों को कंट्रोल टी प्रेस करना पड़ेगा, फिर वही बात 19 नंबर बार से हम लोग थोड़ा जूम कर लेते हैं, इधर जो है 19 नंबर बार से हम लोग पेंसिल ले लेते हैं, इसका जो टेम्पो है पहले का जो टेम्पो था इस इधर एक क्लिक कर लेते हैं, क्लिक करके इसको थोड़ा सा 115 में कर देते हैं, 115 थोड़ा जूम करना पड़ेगा, इसको भी थोड़ा जूम करना पड़ेगा, इधर पेंसिल लेके इसको क्लिक करना पड़ेगा, इधर जो 19 बार जो है इसमें जाइए और इसका टेम्पो कर दीजिए 120 हो गया, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, 19 बार से 120 हो गया, और इसको थोड़ा टेम्पो ट्रैक को ऑन करना पड़ेगा। ऑन करके अभी 19 का पहले जो चल रहा है 115 में चल रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 19 जब जाएगा ये थोड़ा, इसको थोड़ा सिलेक्ट करना पड़ेगा, पेंसिल से सिलेक्ट कर दीजिएगा और इसको थोड़ा उठाना पड़ेगा, माउस से 120 करना पड़ेगा, देखिए 120 BPM हो गया। इसको थोड़ा जूम करके देखिए क्या हुआ है, थोड़ा सा बढ़ गया है, 115 था 120 हो गया। तो अभी चला के देखिए क्या हो रहा है, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ किए हैं हम लोग, कंट्रोल टी दबाते हैं, इसको 115 करना पड़ेगा, इंटर मार दीजिए, 115 हो गया है, और जो 19 से जा रहा है, नहीं ये 115 नहीं, ये 120 होगा, और ये जो है जगह, ये जगह आप लोगों को करना पड़ेगा 115। टेम्पो को ऑफ करके, नहीं टेम्पो को ऑन ही करना पड़ेगा, थोड़ा सा नीचे ना बना पड़ेगा, 117 115 हो गया। और एक हम लोगों को क्लिक करना पड़ेगा, मतलब दो बटन लेना पड़ेगा, दो बटन लेके इधर थोड़ा सा आप लोग ऐसा करिए 120, थोड़ा सा ऐसा करिए इधर 120 में आप लोग रखिए, ये हो गया 120। अभी थोड़ा जूम करके देखते हैं, हुआ नहीं अभी तक, हुआ नहीं। इसको 19 में करना पड़ेगा, ऐसा हुआ है, और इसको 120 में ही कर देना पड़ेगा, वाह ऐसा हुआ है। अभी देखिए क्या होगा, इसका पहले क्या है, 113 है, ये 113 नहीं है, 115 होगा, थोड़ा सा धीरज से करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे ही काम है, मतलब ये थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान से आप लोगों को करना है। फोटोशॉप का वहाँ भी काम हो रहा है बेसिकली, इसमें छोड़ देना पड़ेगा। तो थोड़ा सा देखिए ये क्या हुआ है, अभी तक 19 में आया नहीं है, तो इसको इधर रखिए, इसको 120 BPM, और इसको थोड़ा हटा कर इधर ले आइए, BPM
अभी चला के देखिए क्या हो रहा है। तभी भी हम लोगों को फाइन ट्यूनिंग करना पड़ा, अभी 120 होगा। उससे भी हम लोग इधर से और भी ये करके हम लोग थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। मतलब पहले हम दिखाया है कैसे करते हैं, ये फाइन ट्यूनिंग का काम है एक्चुअली, ये होता है ऐसे ही होता है। अब थोड़ा देखिएगा तो ऐसे ही होता है। तो पहले आप लोग इसको टाइम स्ट्रेच कर लीजिए, उसके बाद जब टाइमिंग आएगा टेम्पो ट्रैक से आपको बोल देना पड़ेगा वो कौन सा बीपीएम में बजेगा, ये आप लोगों को बोल देना पड़ेगा। तो पहले का जो है जो सिलेक्ट हुआ है इसको 1/115 कर देते हैं, हो गया। और दूसरे का जो है जो सिलेक्ट हुआ है इसको 120 कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी चलाइए 115 में चल रहा है बस। अभी पूरा मैचिंग हुआ है, पूरा ठीक ठाक हुआ है, आप लोगों को हाथ में ड्रैग करके नहीं करना पड़ेगा। एक क्लिक करिए, रेड बटन इंडिकेट करेगा, इधर लिख दीजिए टेम्पो, फिर एक क्लिक करिए, रेड बटन इंडिकेट हो जाएगा, फिर टेम्पो लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये टेम्पो को आप लोग एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ये हम लोग पहले ही बोला है, पहले ही देखा है। और ये ट्यूटोरियल आप लोगों को मिलेगा थोड़ा बाद में, 31st में आप लोगों के ट्यूटोरियल मिलेगा, अभी तो ये मिल नहीं सकते, शेड्यूलर हो गया है गूगल प्रीमियम से, तो हम एक एक करके दे दिया है, एक एक करके आ जाएगा, तो आप लोग थोड़ा देखते रहिए। और ये जो चैप्टर उन्होंने पूछा है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चंस, ये भी हम बोलना चाहते हैं। तो डांडिया का काम जितना सारा होता है, उसका जितना सारा लूप्स होता है डांडिया का काम के लिए, वो तो हो जाएगा, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब काम ऐसे ही करना पड़ेगा एंड आप लोगों को देखना पड़ेगा जो ठीक ठाक हम लोग एडिट किया है कि नहीं किया है। बस ये हो जाने के बाद आप लोग इसको जोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम टू सेम हम लोग ये भी कर सकते हैं, नीचे का जो लूप है इसको सोलो बनाइए, इसको सोलो बना के देखिए ये क्या है, ये तो नहीं मिल रहा है, कितना बार तक गया है, 8 बार तक गया है। तो जल्दी जल्दी हम लोग कर लेते हैं 8 बार तक बीट कैलकुलेटर, 8 बार में कितना हो रहा है, 8 बार में 96.47, तो इसको राइट क्लिक करके प्रोसेस में जाके 96.47 इसको 96.447 ही कर देता है, 47, और इसको हम लोग 100 कर देते हैं, हो गया, नहीं 100 करना पड़ेगा, 100 हो गया, प्रोसेस कर दीजिए। तो अभी ये 100 में आ गया, इसको टेम्पो को ऑफ कर दीजिए, इसमें 100 लिख दीजिए, हो गया 100। तो 100 में इसको चला के देखिए, छोटा सा दिखा रहा है, इसको कंट्रोल डी करिए, इसको थोड़ा 120 में चलाना है, तो इसको थोड़ा साइड कर रखिए, इसको राइट क्लिक करके हिट पॉइंट प्रोसेस जो है प्रोसेस टाइम स्ट्रेच में जाइए, इसको 100 कर दीजिए, और सॉरी ये 1000 हो गया था, 100 होगा, और इसको आप लोग 110 कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोसेस कर दीजिए। तो ये जो लूप है, ये जो एरर दिखा, एरर नहीं है, ये बोल रहा है क्या कंटिन्यू जो वर्जन जो है उसमें क्या करेंगे, हम लोग न्यू वर्जन करेंगे, क्योंकि कंटिन्यू अगर होगा तो पहले का जो 100 BPM का है वो चेंज हो जाएगा। तो न्यू वर्जन हम लोग करते हैं, न्यू वर्जन हो गया, अभी ये 120 में आ गया, इसको देखिए मिलेगा नहीं। तो ये दो लूप को अगर शफलिंग करके चलाना है तो कंट्रोल टी इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल टी ओपन करना है, तो टेम्पो ट्रैक को इनेबल करना है, पहले का जो है इसको सिलेक्ट तो अभी है ही, इसको कर दीजिए 100 में, ये 100 हो गया। दूसरे का जो है इसको सिलेक्ट कर दीजिए, 2 नंबर बार से स्टार्ट होगा, इधर आइए, इधर लेकर आइए, तो इधर आ गया है, इसको रिमूव कर दीजिए, इसको लगेगा नहीं। तो 2 नंबर बार से कितने में जाएगा, 2 नंबर बार से 110 में जाएगा, तो हो गया है। तो अभी क्या करना है, इसको दोनों को एक साथ चलाना है,
देखिए कंट्रोल शिफ्ट जी कर रहा है, अभी 100 में चल रहा है, देखिए 110 हो गया, अभी 100 में चल रहा है, बहुत अच्छा। तो ये आप लोग प्रैक्टिस करिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया है, इसीलिए इसके लिए हम पूरा वीडियो दिए है, जो हमको ये क्वेश्चन किए है हमारा तरफ से उसको बधाई, क्योंकि ये क्वेश्चंस एक्चुअली ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास बहुत ही कम आता है, बहुत ही इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस है, तो ये एबल्टन में बहुत आसानी से हो जाता है, क्यूबेस में भी हो जाता है, मगर न्यूएंडो में करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा दिक्कत है। तो ये आप लोग डांडिया का काम करिए, बहुत बहुत आप लोगों को ऐसे टाइप का क्वेश्चन हम लोग हमको कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमारा ट्यूटोरियल देखते रहिए, वो ढेर सारा शेयर कीजिए, और ये हमको बहुत ही खुशी लगेगा जब हमारा चैनल और भी बड़ा होगा। तो आप लोगों का थोड़ा आशीर्वाद चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल अगेन।